तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के त्योहार पर यूपी पुलिस की गुंडागर्दी आई सामने, घरों में घुसकर यूपी पुलिस ने ताजियों को फाड़ा, बढ़ गया है एक बार फिर से तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किया कब्जा, देश छोड़कर भागे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान में मंदिर में घुसने पर दलितों की पुजारियों ने की दौड़ा दौड़ा कर पिटाई, महिलाओं को भी नहीं बख्शा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ किसान मजदूरों ने निकाला मार्च, कृषि कानून के विरोध में फूके मोदी अमित शाह के पुतले। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुस्लिम युवक को पीटते हुए जय श्री राम के नारे लगाने के आरोप में तीनों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली जमानत। जी दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व प्रधान राष्ट्रपति ने जो बाइडेन को ठहराया है जिम्मेदार, कहा अगर मैं होता अमेरिका का राष्ट्रपति तो तालिबान नहीं कर पाता अफगानिस्तान पर कब्जा। क्या है पूरी खबर सब कुछ बताएंगे आपको, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी पुलिस की गुंडागर्दी आई सामने, जौनपुर में घर में घुसकर मुसलमानों के ताजिया को यूपी पुलिस ने फाड़ा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस बार ताजिया और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी। वहीं आपको बता दें कि इस रोक की आड़ में किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस गुंडागर्दी मुसलमानों के साथ कर रही है, ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सहागंज में घर में घुसकर बने हुए ताजियों को यूपी पुलिस ने फाड़ दिया है और ताजिया निर्माता को दरोगा ने बुरी तरह से पीटा है, जिसके बाद प्रदेश में तनाव बढ़ गया है और शाहगंज के लोगों ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए कोतवाली का घेराव कर दिया है। कोतवाली का घेराव करने के बाद एसडीएम और सीओ ने ग्रामीणों से माफी मांगी है और दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस बार मुहर्रम का त्योहार मनाने पर रोक लगा दी। योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए आदेश दिया है कि इस बार ना तो ताजिया बनाने दिए जाएंगे और ना ही जुलूस निकालने दिया जाएगा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन पहले से ही तैयार हुए ताजियाओं को किस तरह से यूपी पुलिस फाड़ रही है, योगी सरकार की सहमे, आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान ने किया कब्जा, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और अब अफगानिस्तान में तालिबान का राज शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि तालिबान का अफगानिस्तान में कब्जा होने के बाद ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर ताजिकिस्तान भाग गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान से राष्ट्रपति अशरफ गनी को सुरक्षित निकालने के लिए अमरीका ने 4 हवाई जहाज भेजे थे और इन्हीं हवाई जहाजों से राष्ट्रपति अशरफ गनी को सुरक्षित अफगानिस्तान से निकाला गया है। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में मंदिर में दलितों के घुसने पर पुजारियों ने दलितों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वीडियो आया सामने। जो दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर के रुद्रावल मंदिर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारियों ने दलितों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से लाठी डंडों से दलितों को पुजारी पीट रहे हैं। इस दौरान महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया है और दलित महिलाओं को पूरी तरह से मंदिर से खदेड़ते हुए पुजारियों ने पीटा है, जिसके बाद तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से दलितों पर अब भी कुछ हिंदू संगठन अत्याचार कर रहे हैं और दलितों को मंदिरों में पूजा तक नहीं करने देते हैं, जबकि इन्हें हिंदू आरएसएस सहित हर व्यक्ति हिंदुस्तान का बताता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, आपकी क्या राय दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने अफगानिस्तान पर किया कब्जा तो भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा बाइडेन है इसके लिए जिम्मेदार। जी दोस्तों आपको बता दें कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा हालात के लिए मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दोषी ठहराया है। साथ ही पूछा है कि क्या आप मुझे मिस कर रहे हैं। मैं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वे अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया है ये कब्जा तालिबान नहीं कर पाता। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति है जो बाइडेन उनकी बुरी तरह से अफगानिस्तान में हार हुई है और हार के कारण ही अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। मैं आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के हालात पर जो बाइडेन को जिम्मेदार बताया है। कहा अमेरिका के नए राष्ट्रपति अफगानिस्तान के इस हालात के जिम्मेदार हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए हैं तालिबानियों से। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वतंत्रता दिवस पर अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। कहा गंगा जमुनी संस्कृति को खत्म करने की साजिश रच रही भाजपा। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण कर जनता को बधाई दी। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा है कि आज जो सत्ता में है उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया है, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दलितों और पिछड़ों को सोच रहा होगा कि संविधान में उन्हें जो अधिकार मिला है क्या वह उन्हें मिल पाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाजपा पर हमला बोला और कहा कि गंगा जमुनी संस्कृति को भाजपा खत्म करना चाहती है और पूरे देश में हिंदू हिंदू करना चाहती है और मुसलमानों के साथ अत्याचार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आज बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान मजदूरों ने निकाला रोज मार्च कृषि कानून के विरोध में फूके पुतले। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आजादी के 75वें दिवस पर किसान मजदूर संघ कमेटी ने आंदोलन के 261वें दिन फिरोजपुर शहर में जो है एक बार फिर से कृषि कानून के विरोध में रोज मार्च निकाला है। वहीं आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में निकाले गए रोज मार्च में कृषि कानून के विरोध में मोदी अमित शाह के पुतले भी किसानों ने फूके हैं। किसानों ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक वह ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। किसानों ने कहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइएगा क्या क्या हम उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने मजदूरों ने ये रोज मार्च निकाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर बोला हमला। कहा मोदी 7 साल से एक ही भाषण दे रहे हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषणों में केवल योजनाओं की घोषणा करने और उन्हें लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला है और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी का एक ही भाषण देख रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर आकर सिर्फ योजनाओं की घोषणा कर देते हैं और इन योजनाओं को लागू भी देश में नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो किसानों की बात की लाल किले पर और ना ही किसी और की बात की, जबकि कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन पिछले 8 महीने से जारी है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करते हैं, इसीलिए वह देश में किसानों की बात नहीं करते। राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों की आय दुगने करने का वादा किया था। अब मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी बताए कि देश के किसानों की आय दुगनी हुई है या फिर नहीं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुस्लिम युवक को पीटने के मामले में गिरफ्तार तीनों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली जमानत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक मुस्लिम युवक की सरेआम हिंदू संगठनों के लोगों ने पिटाई की थी। इसी मामले में बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जय श्री राम के नारे लगाने के आरोप सहित मुस्लिम युवक की पिटाई को लेकर इन तीनों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जमानत मिल गई है और तीनों आरोपियों को पुलिस ने छोड़ दिया है, जिसके बाद अब पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान ऐसी हरकत करता तो उस पर NSA योगी सरकार लगा देती, लेकिन मुस्लिम युवक की पिटाई की और हिंदू संगठनों ने पिटाई की है इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। तो आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में बताएं कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक अफसर की पिटाई लगाई थी, जय श्री राम के नारे लगवाए थे, उनको जेल होनी चाहिए थी या फिर नहीं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, जब तक चीन पर भारत रहेगा निर्भर तब तक चीन के सामने झुकना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को मुंबई के रजा स्कूल में झंडा फहराया। इस दौरान भारत की आर्थिक स्वतंत्रता पर बात रखी। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हम इंटरनेट का और तकनीक का उपयोग करते हैं जो मूल रूप से भारत से नहीं आती। हम कितना भी चीन के बारे में चिल्लाएं, लेकिन आपके फोन में जो भी चीजें हैं वह चीन से ही आती हैं। जब तक चीन पर निर्भरता रहेगी तब तक चीन के सामने हम सबको झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब भारत अपनी चीजें सब बनाने लगेगा तभी चीन से हम टक्कर ले पाएंगे, अन्यथा चीन के सामने भारत को झुकना पड़ेगा। तो किस तरह से आरएसएस ने घुटने चीन के सामने टेक दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूपी के हरदोई में प्रियंका गांधी के पोस्टर फाड़े गए, विपक्ष पर भड़की कांग्रेस। ये दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग के साथ पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव नजदीक आने के बाद तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी जद्दोजहद में लगी हुई हैं। इस बीच हरदोई में पुलिस लाइन के पास उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक फ्लैक्स लगाया गया था जिसे फाड़ दिया गया है। जानकारी के अनुसार जो पोस्टर फाड़ा गया है प्रियंका गांधी का हरदोई में, उसका आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम जीत रहे हैं, इसीलिए भाजपा हमें रोकने के लिए नए षड्यंत्र रच रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो त्रिपुरा में टीएमसी की दो महिला सांसदों पर हुआ हमला, बीजेपी पर लगाया आरोप। जो दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी कांग्रेस की दो महिला सांसदों ने त्रिपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर हमले करने का आरोप लगाया है। इसमें एक महिला सांसद डोला सेन और दूसरी महिला सांसद अपरूपा पोद्दार है। इन दोनों ने ही आरोप लगाया है कि इन पर दक्षिण त्रिपुरा के वेलोनिया में हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हम पर हमला किया है। बात को रखने का